जो फेमस है गाना रुदाली तुम्हें जुबिन गार्ग का। अच्छा अच्छा, जो हम लोग का असम का किंग बोला जाता है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, फिलहाल मैं आ चुका हूँ, मतलब हम लोग का जो सरसों का खेत है, खेतों के बीच में एक्चुअली जो एक मेम आया हुआ है, तो भाई लेना बरुआ जी है एक्चुअली, वो जो भाई मेमन मोबाइल थिएटर था असम में, शायद आप लोग को मालूम होगा कि असम के कल्चर होता है, सो उसमें वो एक्ट्रेस है, मतलब एक्टिंग करता है, तो मैं थोड़ा बहुत सोचा कि आप लोग को भी दिखाऊँ, कुछ पूछताछ करूँ। सो जैसे कि अभी मैम आके मतलब पहुँच चुका, इधर फोटोशूट करने आया था, मैं सोचा कि थोड़ा बहुत आप लोग भी दिखाओ, कुछ बातें करो, कुछ बातें करो मैम के साथ, तो चलिए मिलाता हूँ मैम से। मैम प्लीज़ कम, आइए मैम। हेलो। तो गैस देखिए, फिलहाल जो मैम आके मतलब खड़ा है मेरे साथ, एक्चुअली देखिए फिलहाल जो है सरसुआ कहते हैं, एक्चुअली गांव के प्योर नेचुरल ब्यूटी यही होता है। तो हम लोग का असम में कल्चर है, जो भी है कोई नया, मतलब हमें ऐसे कोई नया खास आदमी से मिलता है, एक्चुअली संबोधित किया जाता है गामसा, असम की शान होता है गामसा। सो मैंने गामसा से मैम को संबोधित करना चाहता हूँ पहले, इसके बाद हम बातें आगे बढ़ाएंगे। तो गैस जो है अभी असम की शान गामसा, गामसा से मैम को अभी संबोधित करूँगा, इसके बाद में जो आप लोग को थोड़ा बहुत मैम के बारे में जानकारी दूंगा। तो जो है अभी मैम को फिलहाल मैं देखिए असम की शान, थैंक यू गामसा। तो मैम देखिए, मैं तो ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मतलब पूछना चाहूँगा, एक्चुअली बात यह है कि अभी तो आप मेरे गांव में आए, तो आपको गांव कैसा लगा? बहुत सुंदर है जी आप लोगों का गाँव, मैं पहले भी यहाँ आई हूँ मोरीगाँव में, मैं म्यूजिक वीडियो शूटिंग भी किया है जी, फिर जी। भी और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं जी, उन लोगों के घर पे भी मैं आई हूँ, बहुत बार आई हूँ, यहाँ रह के गई हूँ, यहाँ का जो माहौल है, एनवायरमेंट मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा मूव करके हम लोग चलता हूँ, चलिए आते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं मैम से ये पूछ रहा था, मैम देखिए अभी हम लोग का गाँव में आके आपको कैसा लगा, और खास करके जो एक गांव होता है एक्चुअली, ये देखिए सरसों का खेत चारों तरफ, तो आप शायद ऐसा आप लोग के उस तरफ होंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, फिर भी मैं आपको पूछता हूँ कि गांव कैसा लगा, और आप जो अभी काम कर रहे हैं आपको कैसा फील हो रहा है, तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, थोड़ा बहुत आप शॉर्ट डिटेल्स में आप जो ऑडियंस को बता देंगे तो ठीक रहेंगे। ओके, सब कुछ एक साथ बोलना पड़ेगा मतलब जी, एक एक करके बोले कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, एक्चुअली अभी फिलहाल आप पहले ये बोले जो मेरा गांव है, आप देख सकते हैं आप जहाँ तक आपका नजर जाएगा, तो ये जो मतलब सरसों का खेत है बहुत मुझे पसंद है, दूर से जितना सुंदर है पास में आके भी वो मतलब और बहुत फ्रेशनेस है यहाँ का, हमें रहने से आई फील फ्रेश एक्चुअली, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक्चुअली बिलोंग करती हूँ ग्वालपरा से, ग्वालपरा दुधनोई, वहाँ सरसों का खेत इतना नहीं होता है वहाँ, हाँ। तो यहाँ जब हम अभी मोबाइल क्षेत्र में जो मैं काम कर रही हूँ, तो हम घूमते रहते हैं असम, पूरा असम, ऑल ओवर असम में हमारा शो रहता है ना, तो घूम घूम के अभी हम लोअर असम खत्म करके अभी हम अपर असम से मोरीगांव नौगांव से स्टार्ट किया हम लोग, ऐसे अपर असम पूरा हमारा शो रहेगा, फिर यहाँ में ये माहौल ज़्यादा मिलता है मतलब, तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं पहले भी मतलब लोगों को बोलती हूँ कि अपर असम कब जाएंगे, अब तो लोअर असम कब खत्म होगा, कब हम ये खत्म करके अपर असम में मतलब ड्रामा करने जाएंगे, हमारे थिएटर कब पहुँचेगा, यहाँ का माहौल। और अभी जो मतलब न्यू ईयर का सीजन है, न्यू ईयर का सीजन है हमारा असमिस का, जो बिहू भोगाली बिहू का टाइम है, तो इस टाइम में मतलब हमारा मतलब एनी टाइम अच्छा लगने लगता है, कहाँ भी जाओ तो घूमने का दिल करता है, दिल करता है, क्योंकि हम लोग का एक रीति रिवाज होता है, क्योंकि बिहू हम लोग का एक कल्चर है, तो बिहू के साथ साथ अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, तो इसमें अभी देखिए खास करके ऐसे जगह में पिकनिक बनाना बहुत अच्छा होता है, वैसा नहीं कि हम कहीं लंदन जाओ दिल्ली, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग प्रिय गाँव में रहने वाला प्रिय नेशनल तरीके से, जैसा आप लोग फिलहाल देख पा रहे हैं कि इस जगह पे आप एक बार पिकनिक बना के देखिए, आपको बहुत ही मतलब सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, क्योंकि प्योर नेचुरल ब्यूटी सांसें मिलेंगे, ताज़ा सांसें मिलेंगे ऐसे जगह पे, और अपने लोगों के साथ जी, मतलब पिकनिक हो जहाँ भी हो, ऐसे जगह पे आके तुम अपने लोगों के साथ जहाँ भी खाना खाओ, जो भी मतलब तुम
करो, अच्छा ही लगता है, सब अच्छा ही लगता है। अभी तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप देखिए अभी तो फिलहाल आप मोबाइल थिएटर में काम कर रहे हैं, हाँ, यानी कि जो जो लोग नहीं समझ रहे, मैं आप लोग को बोल दूं कि असम के कल्चर और थिएटर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपको एक मूवी में काम करने का चांस मिलता है, यानी कि आप जैसे मान लीजिए कोई टीवी सीरियल शो करता है, इससे पहले हम लोग का इधर क्या है कि थिएटर भी बहुत चलता है असम में, थिएटर बहुत फेमस है। तो अभी मैम जो है फाइव मोमन थिएटर, उसमें अभी एक्टिंग करता एक्ट्रेस है, सो मैं चाहता तो आप अभी से ये कितना दिन पहले से मतलब थिएटर की लाइन पे आप आया है, और इससे पहले आप क्या करते थे? एक्चुअली मुझे बहुत मतलब मैं छोटी से ही मतलब कल्चरल लाइन मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली मैं डांस जी के ऊपर ज्यादा रिलेटेड थी। आप जब 3 साल की आपकी उम्र थी तब से आप ये कोशिश मतलब कल्चरल लाइन में मैं मतलब ज्यादा इंप्रेस्ड थी उसमें, डांस पे थे पहले थी, अभी फिर मैं कैमरा में बहुत काम किया मैंने, सीरियल्स वगैरह, म्यूजिक वीडियोस, मूवी में भी मैंने काम किया कैरेक्टर। अच्छा अभी देखिए अभी शायद कई कई लोग आसाम से भी आपको नहीं जानते होंगे, इसलिए आप एक बार बता दीजिए अभी आसामी जो सॉन्ग्स है, मतलब आसामी एल्बम वीडियो, इसमें कौन कौन से गाने में आप मतलब काम किए हैं, एक बार ऑडियंस को भी बोल लीजिए। गाने मतलब मैं सीरियल मैंने किया था जो हमारा रॉन्ग चैनल है आसामीज का, रॉन्ग चैनल और जुनाक, रॉन्ग में मैंने किया था होपुन, एक मेगा सीरियल। अच्छा, था अच्छा, मेगा सीरियल जी। उसमें मैंने बहुत अच्छा एक कैरेक्टर मुझे मिला था, मुझे पसंद था वो बहुत, और वो सीरियल मतलब असम के सभी लोगों ने वो मतलब लिया बहुत था, प्यार दिया था, बहुत प्यार मिला था उस सीरियल वो करके। उसके बाद हमने किया था जुनाकी कारेंग बोल के एक सीरीज होता है, उसमें हमारा सीरियल का नाम था राजनंदिनी, वहाँ मैंने पौड़ी का कैरेक्टर किया था, जो फेमस एक गाना रोदाली तुम्हें जुबिन गार्ग का। अच्छा अच्छा, जो हम लोग का असम का किंग बोला जाता है एक्चुअली, जुबिन दा की जो सॉन्ग है मतलब रोदाली तुम्हें, उसमें या मोरेगांव में ही शूटिंग हुआ था हमारा। अच्छा, 3 दिन हम यहाँ पे शूटिंग मतलब 3 दिन रह के, हम जो सिंगर थी राजश्री उसके घर पे हम रह के शूटिंग किया था, कोरियोग्राफर दीपक। उस टाइम पे तो वो गाना बहुत फेमस हुआ करता था, उसमें जो फेमस डायलॉग था रोदाली रोधे लिए फोन नंबर नहीं दिया ना, वही मैं हूँ। अच्छा अच्छा, इसके बाद जो हीरो है वो शायद मर जाता है ना, है ना वो, हाँ मतलब जो थोड़ी दूर आगे आजा भाई गुना मारा बोलता है, ब्रिज के नीचे में आके जो एक ट्रक है उसको कुचल देता है ना, वो मतलब शायद अभी ऑडियंस को याद आए होंगे, क्योंकि देखिए वो जो रोडाली तुम्हें जो हीरोइन था वो मैमी था शायद, अभी मुझे है भाई अभी पता लगा कि मैमी ये हीरोइन था। सो गाइस अभी देखिए फिलहाल तो आप थिएटर के काम कर रहे हैं, अभी आपका फ्यूचर प्लानिंग है, आप कभी मतलब बॉलीवुड में जाना चाहेंगे या कुछ अगर चांस मिल गया तो आपको, बाई चांस मान लीजिए हर एक आदमी का सपना रहता है कुछ ना कुछ बड़ा, ठीक है, तो उसमें से अभी आपका सपना क्या है, आपको अभी मान लीजिए कभी अगर बॉलीवुड में कुछ चांस मिल गया सीएल वगैरह या मूवी अगर करना, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? एक्चुअली अभी क्या होता है, मैंने बोला सीरियल वगैरह एसमिस, उसके बाद मैं थिएटर, अभी मेरा 3 इयर्स रनिंग चल रहा है थिएटर पे, मैं अभी वाइगोडी भी थिएटर में। अच्छा अच्छा, तो सपना कभी खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता, मतलब जितना दिन बढ़ते जाता है, तो अभी मतलब ये मैं कर रही हूँ, उसके बाद मतलब अगर इसमें सांस मिल जाता तो अच्छा होता, अच्छा ये भी होता करने का दिल होता है, वो भी करने का दिल होता है, फिर और क्या होता है, मतलब अभी हमारा नॉर्थ ईस्ट को मतलब बहुत प्यार दे रहा है, मतलब मुंबई के लोग हो या फिर वहाँ के मतलब सीरियल्स वगैरह या फिर वहाँ से हमारा नॉर्थ ईस्ट मतलब वो लोग एक्चुअली दे वांट, एक्चुअली हमारे यहाँ से आर्टिस्ट उन लोगों को चाहिए, सही है उन लोगों को हमारी जगह भी पसंद है बहुत, मूवीज सीरियल्स ऐसा हमारे आसाम में उन लोगों ने शूट किया है, बहुत सारे किया है, तो अभी थोड़ा मतलब इतना अभी पहले जितना हम सोचते थे बहुत टफ होगा, क्या मतलब वहाँ जाना क्या होगा, बहुत तो टफ होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं possible है नहीं। लेकिन अभी लगता है ये पॉसिबल है, अभी लगने लगा क्या है, देखिए जैसे कि अभी हम लोग जब पहले कुछ भी काम ट्राई करता तो पहले थोड़ा बहुत डर सभी को लगता है, वो तो लगता है, जब आप वो काम करते 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 धीरे धीरे आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है, लोगों से पहचान पहचान बढ़ जाता है, तब मतलब जो अंडर में जो डर रहता है वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे, इसके बाद जो आगे बढ़ने का चांसेस और मतलब मन करता है कि और थोड़ा आगे जाओ। अभी देखिए पहले छोटा सा आदमी बड़ा आता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पूछा, आपको मान लीजिए बाई चांस अभी अगर आपको कोई मिल गया चांसेस कि आपको बॉलीवुड में एक मूवी में काम करना है, अगर एक सीरियल में काम करना है, टीवी शो में, तो आप बिल्कुल जाएंगे? ऑब्वियसली जाऊंगे, ये तो सबका सपना है। तो गाइस देख रहे हैं, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैम का जो सपना है वो पूरा हो सके, क्योंकि देखिए
आप और मैं हम सब मिलके अगर एक एक मतलब शेयर करके मैम को कुछ ऐसे उसके जो जरूरत है मतलब जो उसका अभी क्या बोल रहे हैं उसको जो जुनून है उसका जो अभी फिलहाल उसको आगे चलने का और प्रयास है उसको हम लोग थोड़ा उसको सपोर्ट करो तो आगे जा पाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ मैम को सपोर्ट कीजिए। अगर देखिए आप लोग में से बहुत सारा लोग भी होंगे आसाम से देख रहे हैं मैम को, जो जिन जिन लोगों ने अभी तक मैम को नहीं जाना था तो मैम के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत जान पाएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए तभी मैम को। अभी देखिए आसामीस में मैं बोल देता हूँ, अभी जो निबिर और तारा मतलब आसामीस एक यूट्यूब चैनल है रब्बानी स्वयं और उसमें बारिश करके, तो उसमें निबिर और तारा था। तो जो तारा बोल के कैरेक्टर किया था जिस मतलब लड़की ने, अभी वो लड़की फिलहाल जाके जो स्टार प्लस में एक सीरियल में काम करता है ना। तो इस तरह से अगर मैम का भी इस तरह से अगर मैम भी जा सकता है आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि देखिए अभी थिएटर आप लोग पहले देखिए मैम का थिएटर देखने के बाद, अभी इसके बाद जो अभी फिलहाल है गेरुआ, गेरुआ के बाद आएगा ढींग, ढींग नौगांव, इसके बाद फिर आएगा भूरबंडा, इसके बाद फिर अपार की तरफ जाएंगे, मतलब अपार से वहाँ चलते रहेगा अप्रैल तक चलते रहेंगे। तो हमारा बहाग बिहू नहीं आ जाता उससे पहले हमारा खत्म हो जाता है, फिर जुलाई अगस्त से सीजन स्टार्ट हो जाता है थिएटर का। तो गाइस अभी फिलहाल तो आप लोग को थोड़ा बहुत मैम के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि देखिए मैं भी नर्वस हूँ कि मैम को क्या पूछ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जब बड़ी सेलिब्रिटी आपके साथ हो तो आपकी बल्ती ऑटोमेटिक बॉन्ड हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं कि मतलब खुद अपना मन में जो सुना चाहिए हाँ मैम ऐसा ऐसा कोई बात नहीं। आपसे मिलके भी अच्छा लगा, आज मिलके वो मतलब जब हमसे मिले तभी बोला कि एक वीडियो कर सकते हैं क्या। हाँ जरूर, उसके मेरे फ्रेंड्स के साथ वो लोग मतलब काम कर रहे थे तो तभी बोला, तो मैं हाँ ठीक है उससे मिलके नहीं, अच्छा लगा। देखिए मैं जो काम करता हूँ ना वो ऑडियंस को मेरा जितना भी मेरा फैमिली है अभी सबको पता है कि मैं ये काम करता हूँ। मैं सब कुछ मतलब खुला दिल से बोलता हूँ कि मैं ये करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ इसलिए मेरा जो अपना ये वही छुपा हुआ, ऐसा नहीं। जो मैं काम करता हूँ वो रियल में बताता हूँ, गाइस देखिए मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। इसलिए आप लोग भी नारायण जी उसका सपोर्ट कीजिए, वो भी बहुत मतलब अपने चैनल के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो आप लोग उसके चैनल के लिए भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा वीडियो वो दे रहा है, मैं अभी से मैं भी देखूंगी, अभी पहली बार मिली हूँ तो वीडियो उन्हें बनाने के लिए कहा, अच्छा लगा मिलके। हम एक्चुअली वीडियो या इंटरव्यू जैसा नहीं, हम ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम हम लोग देखिए अभी ऐसे बात कर रहा हूँ, मतलब बात करते करते देखिए हम लोग पिया का जो हम लोग का अभी खेतों के बीच में आके मतलब थोड़ा बहुत हम लोग फ्रेशनेस भी ले रहा है, इसके साथ साथ मैम के दूसर बातें भी मैं भी जान पाए और मेरे साथ साथ आप लोग भी जाने, इसलिए बस वीडियो बनाया। ऐसा नहीं कि हम कुछ इंटरव्यू, ऐसा नहीं, मतलब कुछ बात जानने के लिए मैं वीडियो बनाया। तो गाइस देखिए अभी मैम के बारे में मुझे भी जितना नहीं पता था इतना मैंने भी जान लिया, मेरे साथ साथ भी आप लोग को भी दिखाया कि मैम फिलहाल किस तरह से क्या काम कर रही है। तो मैम जैसे कि मान लीजिए अभी आप मैम को आने पर आप यहाँ तक आए, आके थोड़ा बहुत हम बातें किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आशा करता हूँ आप अभी जिस मंजिल से है उससे और कोई गुना बड़ा हो जाए आपका, जो आपका मन में जो एक जोश रहता है कि मैं ये काम करूँ, आप जल्दी से भगवान को ये काम मतलब और लगाए दूसरा काम पर। सो मैं यही दुआ करूंगा कि मेरे साथ साथ पब्लिक भी थोड़ा आपको सपोर्ट कीजिए, आप लोग आपको सपोर्ट करें और पब्लिक सॉरी गाइस आप लोग मैम के साथ साथ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि मैम को ही सपोर्ट कीजिए, मुझे भी कीजिए, मैम को भी कीजिए। देखिए मैं ऐसे अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो भी मैं आगे जा पाएंगे, अगर हम लोग की तरह कोई दूसरा ऑडियंस आगे बढ़ेंगे तो भी मैम लोग के जैसा और मैम मतलब आगे जाके कुछ कर पाएंगे, है ना मैम। हाँ, लोगों के जरिए से तो हम मतलब पहुँचते हैं। जी, 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 आजकल मतलब सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया में आप एक्टिव नहीं रहोगे ना तो फिर फायदा नहीं है, जितना भी आप कम करो। जी ये बात बिल्कुल करेक्ट है, मतलब फिलहाल जो अभी सोशल मीडिया के टाइम है और इसमें आप एक्टिव नहीं रहेगा तो आपका मतलब कोई सा भी आप काम कर लो आपको कोई फायदा नहीं। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बोलिएगा और मैम कुछ बोलेंगे चैनल के बारे में। हाँ अच्छा लगा नारायण जी से मिलके, इतना फ्रेश एरिया में हमने शूट किया, शूट मतलब हमने बातें की और आप लोगों को भी वो मतलब वीडियो दिखाया, अच्छा लगा उससे मिलके। आप लोग नारायण जी को भी सपोर्ट कीजिए, उसका चैनल भी बढ़ने के लिए थोड़ा हेल्प कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, हमारा थिएटर आसामीस लोग जो आसाम में है वो लोग देखिए। और मैम का एक चैनल भी है यूट्यूब। हाँ मेरा भी एक चैनल है वालिना बोरुआ, VIOLINABARUH वालिना बोरुआ, आप लोग टाइप कीजिए, मेरा वीडियो सब लोगों को मिल जाएगा और मेरा काम करने का
भी बहुत वीडियोस वहाँ पे हैं। तो मतलब उसमें आप लोग को देखने मिलेगा कि मैम कौन सा काम करता है, क्या काम करता है, कैसे करता है, सब कुछ वहाँ डाला हुआ है। आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।